हेलो, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। आज का हमारा विषय है सांस की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। देखेंगे कि सांस की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला होता है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय जो मुख से या मुँह से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है अल्प प्राण व्यंजन की वो 20 यानी 20 होती है। कौन कौन से होती है? क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ड, अंग, अ, त, द, न, प, प, म, य, र, ल, व। यानी कि इसमें क वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर होता है, और च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा होता है, और ट वर्ग का भी पहला, तीसरा और पांचवा होता है। त वर्ग का भी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है, और प वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। और इसमें अंतस्थ व्यंजन होता है, यानी य, र, ल, व, ये भी आपका अल्प प्राण में होता है। और एक उच्छिप्त व्यंजन होता है, यानी उसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, जो कि है ड है। अब यानी याद रखने का इसका सबसे आसान तरीका होगा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि वर्ग का 1, 3, 5, 135 और अंतस्थ अक्षर द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। अब आइए जानते हैं कि अल्प प्राण हो गया। अब देखते हैं कि महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न यानी अधिक समय लगता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु या प्राण निकलते हैं, हवा निकलती है, अधिक हवा निकलती है, उसको क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन। यानी मुंह से बोलने में जिसमें जो श्वास या हवा ज़्यादा निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और जो इसकी संख्या होती है वह 15 होती है। कौन कौन से होती है देखते हैं। ख, क, छ, ज, ट, ड, थ, द, फ, ग, ढ, स, 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 ह। यानी कि इसमें क वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर होगा, च वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर, त वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर, त वर्ग का भी दूसरा, चौथा अक्षर होता है, और प वर्ग का भी दूसरा, चौथा अक्षर होता है। यानी कि चारों उष्म व्यंजन होते हैं, स, श, स, ह, और एक उच्छिप्त व्यंजन होता है ढ, यानी ढक्कन वाला। उसमें अल्प प्राण व्यंजन में ढ से डमरू वाला होता है उच्छिप्त व्यंजन, और महाप्राण में ये ढ से ढक्कन वाला जो है ये महाप्राण व्यंजन होता है। यानी इसमें दूसरा, चौथा अक्षर देखते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का दूसरा, चौथा, और अल्प प्राण में हमने देखा था कि 1, 3, 5, एक तीसरा, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर होता है। इसको याद रखने का आसान तरीका है वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर और उष्म व्यंजन और एक उच्छिप्त व्यंजन जो ढ से ढक्कन वाला होता है, उच्छिप्त व्यंजन और उष्म व्यंजन यानी श, स, ह। इस प्रकार ये आपके अल्प प्राण और व्यय महाप्राण हो गए। और भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।